Ananya. Yes. हिंदी में बात करेंगी आप? जी मैं हिंदी में बात करूंगी. क्विकली इन टर्म्स ऑफ फैशन, इन मेंस फैशन, व्हाट आर योर फेवरेट पिक्स? पिक्स आई लव अ टाइट व्हाइट टी-शर्ट एंड गुड जीन्स. ब्लू जीन्स. ब्लू जीन्स. ओके. एंड जीन्स नॉट जस्ट द वेयरिंग काइंड बट लाइक द जीन्स. एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग, व्हाट डू यू नोटिस इन अ मैन? हेयर. बहुत ही ज्यादा स्पेशल व्लॉग है आज का व्लॉग दोस्तों. पहले मैंने सोचा कि फैशन हॉल स्टाइल व्लॉग कर लूंगा आपके लिए, पर फिर मैंने सोचा हमारा पहला स्टाइलिंग का वीडियो निकला था 5 साल पहले, फैशन भैया का जन्म हुआ था 5 साल पहले, पर इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, कल्चर बदल चुका है, पैंडेमिक आई फील थोड़ा बहुत खत्म होने लगा है, फैशन पूरी तरह से बदल चुकी है, एंड इवन ग्रूमिंग परफ्यूम टिप्स हैव चेंज्ड. क्या ये फैशन भैया का पुनर्जन्म है? देखो दोस्तों ये चैनल बन चुका है एक व्लॉग चैनल, अगर आपको रेगुलरली फैशन के वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो पर 1,00,000 लाइक आने चाहिए और 10,000 कमेंट आने चाहिए, फिर मैं रेगुलरली फैशन के वीडियोस भी रिलीज करूंगा. पर आज के वीडियो में 10 स्टाइलिंग टिप्स, क्योंकि ये वीडियो है हाउ टू ड्रेस वेल फॉर इंडियन मैन पार्ट 3 2022 वर्जन. स्ट्रीट स्टाइल की बातें होंगी, स्टाइल अपडेट्स की बातें होंगी, ग्रूमिंग अपडेट्स की बातें होंगी, और ऑफ कोर्स आपको ज्यादा सेक्सी कैसे बनाए मेरे भाई जानों को. और अगर आप कोई लड़की हो जो इस वीडियो को देख रही है, आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट सम ऑफ द स्टाइल रूल्स विल अप्लाई टू योर ड्रेसिंग एज वेल, क्योंकि फैशन पूरी तरह से बदल चुकी है. मोर अबाउट जेंडर फ्लूइडिटी नाउ, बट सम रूल्स आर स्टिल इन प्लेस. That's why watch carefully. Okay, 10 updated fashion rule. Number 1, पहले basics जानिए, theory जानिए. 2022 में और likely 2020s में style कैसे बदल चुकी है. It's defined by 4 factors. पहला factor fashion reboot, यानी कि जो पुराने जमाने के styles होते थे वो लौट चुके हैं, 90s style लौट चुकी है. दूसरा factor street style, क्योंकि hip hop का इतना ज़्यादा culture बन चुका है पूरे दुनिया में. तीसरा factor some all time classics, suits अभी भी classy माने जाते हैं, shirts जो tailored होते हैं वो भी क्लासिक माने जाते हैं, हर कोई चीज लूज नहीं हो चुकी है, जैसे कि यहां मैंने पहने हैं क्लासिक ब्लैक जॉगर्स. और चौथी चीज एक्सप्रेसिंग पर्सनालिटी थ्रू योर क्लोथ्स. अभी रूल नंबर 2 के बारे में बातें करते हैं. रूल नंबर 2 क्या है दोस्तों? रूल नंबर 2 इज एग्जैक्टली दिस, ओवरसाइज्ड फिट्स. ओवरसाइज्ड फिट्स यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा रूम है, जब आप ऐसे टी शर्ट्स पहनते हो ना आपके एल्बोज पर आपको बहुत सही लगता है. ओवरसाइज फिट्स आर द नॉर्म, पर इनके स्टाइल रूल्स रहते हैं, जैसे कि इन टी शर्ट्स को अच्छे से पहनने के लिए ना आपको अपनी साइजेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. मैं यूजली स्मॉल पहनता हूँ, अगर मैंने मीडियम साइज की ओवरसाइज टी शर्ट पहन ली ना वो बहुत बड़ी हो जाएगी. तो वॉट इज द रूल? बेसिकली ये स्लीव्स ना आपके एल्बो तक एंड होने चाहिए, ये जो आपको यहाँ शोल्डर की लाइन दिखती है ना, शोल्डर की लाइन थोड़ी सी नीचे एंड होनी चाहिए, ना कि यहाँ जैसे टाइट टी शर्ट्स के होते थे ना वैसे नहीं. ओवरसाइज टी शर्ट्स को अच्छे से स्टाइल करना है ना तो नीचे आपको पहनने चाहिए थोड़े से टाइट पैंट्स. अगला रूल वेरी क्रूशियल अकॉर्डिंग टू मी, जितनी ज़्यादा आपकी उम्र होती है उतने ही ज़्यादा कम आपके ये ओवरसाइज टी शर्ट्स के पैटर्न्स होने चाहिए. अगर आप कॉलेज में, अगर आप टीनेजर हो, आप पैटर्न वाले ओवरसाइज टी शर्ट्स पहन सकते हो, पर अगर यू आर इन योर लेट 20s अर्ली 30s देन प्लीज़ ऐसे बेसिक से ओवरसाइज टी शर्ट्स पहनिए. ओके, बट यू ऑल्सो नीड टू नो दिस कि अगर अच्छी क्वालिटी की ओवरसाइज टी शर्ट्स पहननी है ना वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं आज के ज़माने में. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम अंटिल मोर अफोर्डेबल ब्रांड्स लाइक जॉकी, लाइक सोल स्टोर आर एबल टू गेट द कट्स करेक्ट. उनके ओवरसाइज टी शर्ट्स निकले हैं बट आई डोंट थिंक द कट्स आर ऑन पॉइंट येट. ये मैंने एक ब्रांड ढूंढा है, बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है, ये ब्रांड रिकमेंडेशन नहीं है, ये भाई की रिकमेंडेशन है, मेरे को बिल्कुल पैसा नहीं मिला इसके लिए, भाई की तरह शेयर कर रहा हूँ. ₹800 की टी शर्ट है, इसकी फिट अकॉर्डिंग टू माई बॉडी टाइप, अकॉर्डिंग टू माई हाइट एकदम सही है. आई डू रेकमेंड दिस, क्वालिटी भी अच्छी है, बट आई हैव अ लॉट ऑफ अदर ओवरसाइज टी शर्ट्स जिनकी फिट एकदम अच्छी नहीं है. ठीक है दिखाता हूँ, ये देखो अच्छी टी शर्ट है, यही स्ट्रीट स्टाइल मानी जाती है, सच में ओवरसाइज टी शर्ट है, बट आई डोंट नो आई एम नॉट फीलिंग दिस. ये मैंने खरीदी मिंत्रा से, इट्स अ नाइस डिजाइन. ये देखो यहाँ एक छोटा सा एम्ब्लेम है, वेरी जेंजी, पर इसके स्लीव्स थोड़े से अजीब है, दे नॉट लॉन्ग इनफ, दे डोंट कवर एंड टच माई एल्बो. ऑल्सो ये जो कॉलर है ना ये थोड़ा सा लूज है तो इतनी ज़्यादा नीट नहीं दिखती,
पर इट विल डू द जॉब अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट वन वॉज द अर्लियर वन और हाइपर ब्रांडेड जो बहुत महंगे ब्रांड्स होते हैं ना उनके ओवरसाइज टी शर्ट्स अच्छे होते हैं पर आई ऑल्सो शो यू अ मिड पॉइंट नॉट द बेस्ट बट नॉट द वर्स्ट ईदर H&M ये है H&M की बेसिक ओवरसाइज टी शर्ट अच्छी है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू फैशन रूल नंबर 3 देखो दो कल्चरल फिनोमेना है जिनकी वजह से फैशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है पहला फिनोमेना है जेन जी कल्चर जेन जी कल्चर क्या होता है अकॉर्डिंग टू मी जब हम 18-19 साल के होते थे हमारी जनरेशन 18-19 साल की होती थी हम बहुत ज़्यादा अडल्टहुड पर फोकस करते थे ठीक है वी टू रिजेक्ट चाइल्ड लाइक थिंग्स वी टू एम्ब्रेस मच्योरिटी अल्फा कल्चर जेन जी कीप द इनर चाइल्ड अलाइव उसका ये मतलब है कि उनके जो कलर सिलेक्शन होते हैं उनके जो टी शर्ट सिलेक्शन होते हैं दे आर मोर रिलैक्स दे आर मोर बेबी लाइक पजामा टाइप के टी शर्ट्स होते हैं मोर इम्पोर्टेंटली कलर्स ज्यादा सॉफ्ट होते पेस्टल शेड्स सॉफ्ट शेड्स लाइक पिंक लाइक पर्पल लाइक ऑरेंज लाइक बेबी ब्लू यार उनके जो थोड़े से अल्फा शेड्स भी ना लाइटिश होते हैं क्यों क्योंकि एक और बड़ा कल्चरल फिनोमेना है दुनिया में जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कल्चरल इम्पैक्ट्स हुए हैं और वो कल्चर है कोरियन कल्चर जहाँ ब्राइट कलर्स पर फोकस किया जाता है विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट ओ टी शर्ट चेंज हो गई ये भी सॉफ्ट पेस्टल कलर कलरफुल है ओवरसाइज्ड है बट फोर्थ पॉइंट मैक्सिमलिज्म क्या होता है यू नीड टू अंडरस्टैंड मिनिमलिज्म फर्स्ट टू अंडरस्टैंड मैक्सिमलिज्म मिनिमलिज्म मतलब एक ही कलर पहन रहे हो बहुत ही क्लासी क्वाइट ड्रेसिंग होती है उसका ज़माना चल रहा था पहले 2020 में मैक्सिमलिज्म का ज़माना आ चुका है मतलब लॉट्स ऑफ प्रिंट्स लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट ये सारे स्नीकर्स ही देख लो यार दीज आर द हॉट स्नीकर्स राइट नाउ विच आर इन अगर आप USA जाओगे यूरोप जाओगे ना तो वहाँ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट वाले कपड़े भी पहन रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रिंट्स पैटर्न्स आई फील कि ये ज़माना ना इंडिया में 5 साल बाद आएगा अभी के लिए ये 2018 का वहां का जमाना आ चुका है नाउ द की टू बी नोटेड हियर इज दैट आई एम नॉट समवन हु विल वेयर मैक्सिमलिज्म बेस्ड स्नीकर्स तो स्नीकर्स में ना सम ओल्ड थिंग्स आर एक्सेप्टेड स्पेशली अगर आप थोड़े से ओल्डर इंडियन मर्द हो आई ऑलवेज रिकमेंड स्नीकर्स लाइक दिस इसमें मैक्सिमलिज्म का क्या इम्पैक्ट है बस स्नीकर का शेप थोड़ा सा अलग होता है ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा चंकी होता है बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्टिल अ मिनिमलिस्ट स्नीकर मोस्टली वाइट कलर का है थोड़ी सी ग्रे डिज़ाइन है बट ओवरऑल इट्स वाइट इट्स मिनिमल विथ अ मैक्सिमलिज्म स्ट्रक्चर तो आपको स्मार्ट बनना है आई वुड इवन से वेयरिंग प्लेन ओवरसाइज टी शर्ट इज अ फॉर्म ऑफ मैक्सिमलिज्म ओवरसाइज लाउड बींग ट्वीक्ड फॉर इंडियन मार्केट ओके अगला पॉइंट ये एग्जैक्टली फैशन से रिलेटेड नहीं है बट दीज आर इंपॉर्टेंट इनपुट्स फॉर यू दुनिया भर जमाना चल रहा है सस्टेनेबिलिटी का यानी कि हमारे जो चॉइसेस होते हैं जो डिसीजंस होते हैं वो एनवायरनमेंट को किस तरह से इंपैक्ट करते हैं क्या एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है या एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है एंड मोस्टली पीपल आर गोइंग फॉर बेनिफिशियल चॉइसेस फास्ट फैशन यानी कि वो ब्रांड्स जो बहुत सारे कपड़े रिलीज करते हैं ना ये भी जानिए उनके बारे में कि उनकी वजह से एनवायरमेंटल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल जाता है अगर आप कपड़े खरीद रहे हो कीप सस्टेनेबिलिटी इन माइंड पर उसके साथ साथ ये भी जानिए कि ग्रूमिंग की दुनिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टाइल के लिए राइट ग्रूमिंग में देखो बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं ग्रूमिंग पर अलग से वीडियो बना सकते हैं पर बेसिक अपडेट ये है कि लोग ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जो पुराने ज़माने के ब्रांड्स होते थे उनमें पैराबेंस होते थे सल्फेट्स होते थे सिलिकॉन्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं और इसलिए ज़मानों से पहले से फैशन भैया 1.0 से फैशन भैया 2.0 तक मैं सिर्फ एक ही ब्रांड आपको रेकमेंड करता हूँ जो ऑल नेचुरल है और वो ब्रांड है Wow Skin Science. I'll tell you why. देखो ये है Wow Skin Science का aloe vera multi-purpose beauty gel for skin and hair. Summer आ रहा है हर किसी की स्किन खराब होने ही वाली है सबको पिंपल्स होने ही वाले हैं ये आपका सेवियर बनेगा अगर आपके पिंपल्स निकल आए ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है ये जेल एंटी इन्फ्लेमेटरी है यानी कि पिंपल जैसे इन्फ्लेमेशन सनबर्न जैसे इन्फ्लेमेशन कम हो जाते हैं ये एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी मॉइस्चराइजर है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको भी फायदे मिलेंगे इससे एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी आफ्टर शेव बेनिफिट्स भी है हेयर और स्कैल्प को भी बेनिफिट्स मिलते हैं पीछे सारे के सारे बेनिफिट्स लिखे गए हैं क्यों क्योंकि ये है प्योर एलोवेरा जेल एक बहुत ही सही प्रोडक्ट आपके ग्रूमिंग के लिए और ये वाओ स्किन साइंस का प्योर एलोवेरा जेल 99% प्योर है
That's called a good quality natural product. जितने भी प्रोडक्ट मैं इस चैनल पर रेकमेंड करूंगा पहले मैं खुद पर यूज करता हूँ, फिर मेरे भाइयों के लिए, जो लड़कियाँ ये वीडियो देख रही है उनके लिए, आप सारे लोगों के लिए सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेंगे. वाओ स्किन साइंस इज रेकमेंडेड स्पेशली इन 2022. जो ब्रांड सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करेगा उस ब्रांड को पूरी बियर बाइसेप्स कम्युनिटी सपोर्ट करेगी. तो चेक आउट प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन. पर अभी के लिए 2022 का अगला पॉइंट वेरी क्रूशियल, ये क्या है? ये है क्यूबन कॉलर्स. क्यूबन कॉलर्स का भी जमाना चल रहा है. आ जाओ ये देखो, बहुत ज़्यादा सेक्सी दिखते हैं क्यूबन कॉलर्स इन माय ओपिनियन. बहुत ज़्यादा हाई पर्सनालिटी है एंड डिपेंडिंग ऑन द शर्ट ना एनी गाय कैन पुल इट ऑफ. जैसे कि ये बढ़िया शर्ट देख लो, ये भी एक और ट्रेंड चल रही है. ये क्या है? रफ टेक्सचर्स, रोप लाइक, जूट लाइक टेक्सचर्स, इन चीज़ों का भी ट्रेंड चल रहा है. एक बार आपने क्यूबन कॉलर्स पहनना स्टार्ट किया ना, आपसे स्टॉप नहीं होगा. बहुत ज़्यादा आर्टसी होता है, बहुत ज़्यादा क्यूट होता है, बहुत ज़्यादा 2022 होता है. चलो अगला पॉइंट, सुपरस्टार लुक्स. वो पहले वाले जूते देख लीजिए, पर मोर इम्पोर्टेंटली ये मोनोक्रोम लुक हर बंदे के बस की बात नहीं है. इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू पुल इट ऑफ, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर फीलिंग इन इट. मुझे भी इन तरह के कपड़ों में आपने शायद देखा नहीं होगा, पर दिस इज व्हाट स्टाइल हैज बिकम. यहाँ एक पतले हुडी को पेयर किया है ट्रैक पैंट्स के साथ उसी कलर के. ये एक स्टेटमेंट लुक होती है एंड इफ यू कैन पुल इट ऑफ, इफ यू हैव द राइट शूज, इफ यू योरसेल्फ आर कॉन्फिडेंट, फिर कोई भी पार्टी में ना कोई भी इवेंट में आप सबसे बेस्ट ड्रेस बंदे का खिताब पाओगे. इसी तरह अगर आपको एक ज्यादा सोबर लुक चाहिए जो मोनोक्रोम भी है सुपरस्टार लुक भी है, आई विल सजेस्ट यू दिस लुक. ये लुक फिर से मोनोक्रोम है, फिर से सुपरस्टार लुक है एंड दीज आर द काइंड ऑफ लुक्स दैट आर अप्रिशिएटेड. एथलीजर एलिमेंट्स भी है, जेन जी एलिमेंट्स थ्रू मैक्सिमलिज्म इन शूज भी है, और वो जो टेक्सचर वाला पॉइंट बोला वो भी है. देखो मैं 10 पॉइंट तो आपको दे रहा हूँ, बट उसके अलावा बहुत सारे सटल पॉइंट्स भी है इस वीडियो में. बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फैशन वीडियो है, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. आप लोग ना ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं करते फैशन के, बट प्लीज़ शेयर कीजिए. एंड फॉर नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या है? ये है परफ्यूम्स. बहुत बेसिक पॉइंट है. देखो दोस्तों, पिछले ज़माने में परफ्यूम्स वर अ सप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ फैशन. आजकल लोगों ने शायद बियर बाइसेप्स वीडियो की वजह से परफ्यूम्स के बारे में बहुत ज़्यादा जान लिया है. डियोस, परफ्यूम्स, इन चीज़ों को यूज़ कीजिए. बेसिकली फ्रेग्रेंसेस का भी ध्यान रखिए. जेरेमी फ्रेग्रेंस नाम का एक बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल है. तो इंडिया में ना ज़्यादातर फ्रेश परफ्यूम्स, सिट्रसी परफ्यूम्स ज़्यादा काम करते हैं. दीज आर द वंस आई यूज़ द मोस्ट. ये है जिमी चू आइस, ये है YSL लिव, ये थोड़ा सा लेमनी परफ्यूम है, ये थोड़ा सा फ्रेश परफ्यूम है. दीज आर द सेंट्स आई रेकमेंड. डियोज का भी वीडियो बनाया है, पर शायद 2022 में अपडेट वीडियो बनाना पड़ेगा. एंड नाउ टाइम फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट बहुत बेसिक है, वॉचेस. वो एक एक्सेसरी है जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर एक्सेसरीज का जमाना चल रहा है. क्यों? क्योंकि आजकल की स्टाइल इट्स ऑल अबाउट हे नोटिस मी. क्यों? सोशल मीडिया का इतना जो जमाना चल रहा है, एवरीवन वांट्स टू गेन एवरीवन एल्सस अटेंशन. बट दैट्स द ट्रूथ अबाउट फैशन. कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव एन इंपैक्ट ऑन स्टाइल एंड फैशन. इसलिए रिंग्स पहननी है, टाइट वाले चेन्स पहनने हैं, ब्रेसलेट्स पहनने हैं, पहन लो. बट मेरी सजेशन ये है कि अपने गर्लफ्रेंड का या अपनी बहन का या अपनी, अच्छा मम्मी को शायद ये सब चीज़ें समझ नहीं आएंगी बिकॉज स्टाइल इज रियली चेंज्ड अप फ्रॉम देयर टाइम, पर गर्लफ्रेंड या बहन से राय ले लो एंड ओनली देन एक्सपेरिमेंट विथ एक्सेसरीज. पर अगर आपने सही वाली एक्सेसरीज पहन ली ना, आप पर बहुत ज़्यादा हॉट दिखेंगी. अगर एक्सेसरीज नहीं पहननी है, एटलीस्ट एम्ब्रेस वॉचेस. फाइनल रूल. देखो दोस्तों, इन सारे रूल्स के बीचों बीच डू नॉट फॉरगेट द एब्सोल्यूट बेसिक्स. फैशन एक सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने इतने सारे फैशन 101s के वीडियोस डाले हैं. येस दे आर 5 years ओल्ड, बट उनमें से बहुत सारे रूल्स ना क्लासिक रूल्स होते हैं जो आप पूरे लाइफ टाइम के लिए फॉलो कर सकते हो. दैट्स व्हाई इवन इन 2022 ये जानिए, स्पेशली अगर आप एक ओल्डर मैन हो, अगर आप 25 की एज से ज़्यादा एज के हो, प्लीज सम ओल्डर स्टाइल रूल्स आर रिटेन्ड. इस वीडियो से भी ना ओनली पिकअप वॉट मेक्स मोस्ट सेंस टू यू. ये याद रखिए कि इफ़ यू कैन लर्न टू पैक कलर्स वेरी वेल जस्ट लाइक दिस,
आपकी आधी स्टाइल की गेम ना वहीं खत्म हो जाती है. बस ये जो एडिशनल रूल्स है जेन जी वाले, ओवरसाइज्ड वाले, कोरियन कल्चर वाले, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानिए. पर अगर आपको फैशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, आई सजेस्ट दैट आप हमारी बेसिक्स ऑफ फैशन प्लेलिस्ट देखिए. साथ में ग्रूमिंग की भी प्लेलिस्ट है जहां हमने वाव स्किन साइंस को बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया है. तो फैशन ग्रूमिंग के बेसिक्स के बारे में जानिए एंड ओनली एक्सेप्ट द बेस्ट ऑफ द टाइम्स दैट यू लिव इन. ये सारे स्टाइल रूल्स ना अगले 5-10 सालों के लिए लास्ट करेंगे और इसके बाद फिर से चेंजेस होते जाएंगे. याद रखिए, और फैशन वीडियोस चाहिए तो 1,00,000 लाइक्स और 10,000 कमेंट इस वीडियो के नीचे. बूम शाकालाका, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. फैशन भैया विल सी यू लेटर.